बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें आप देखेंगी बहुत ही प्यारे से और ख़ूबसूरत से छोटी बच्चियों के लिए गोटा किनारी के ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने डिफरेंट डिज़ाइन ऐड किए हैं, आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स लाजमी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमें न्यू वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं किस तरह से ये गोटा किनारी के ड्रेस बनाए गए हैं, आपसे इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं छोटी बच्चियों के ड्रेसेस पे। आप प्लेन फैब्रिक लेके उस पर इस तरह से गोटा का काम कर सकती हैं, आप गोटा वाली लेसेस यूज़ कर सकती हैं, आप चाहें तो डिफरेंट स्टाइल में गोटा किनारी का यूज़ कर सकती हैं। आजकल गोटा किनारी की लेसेस इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, तो आप उन्हें लेके इस तरह से डिज़ाइंस बना सकती हैं अपनी बच्चियों के लिए। आप उनके इस तरह से ईद के लिए डिफरेंट फंक्शंस के लिए ड्रेसेस बना सकती हैं। आप देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन बनाया गया, आप इस तरह एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। आप चाहें तो ऐसे कोटी स्टाइल में भी छोटी बच्चियों के ड्रेसेस बना सकती हैं, आप शरारा वरारा पे भी गोटा किनारी का काम कर सकती हैं। आप देख सकती हैं किस तरह से ये डिज़ाइन बनाया गया है, इस तरह गोटा वाले फूल्स भी मिलते हैं, आप वो लेके ड्रेसेस पे लगा सकती हैं। व्यूअर्स, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप घर पर इजीली बना सकती हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फैशन फ्लेम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल फैशन फ्लेम सब्सक्राइब कर दें और साथ दिया गया बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व्यूअर्स, मेरी वीडियो भी आने के लिए शुक्रिया। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।